हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को दोस्त सोहन सिंह क्यूबर और आज मैं आप सभी को F12 सिखाने वाला हूं, जो कि हमारे क्रॉस ट्यूटोरियल के बाद आता है। तो गाइस, अगर आप सभी लोग हमारे क्रॉस ट्यूटोरियल को देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और गाइस, अगर आप सभी लोग हमारे इस नोटेशन की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाइस, आप वहां से जाके हमारा वीडियो ज़रूर देख लें, वरना आपको ये F12 की वीडियो समझ में नहीं आएंगी। तो गाइस, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप क्यूब को स्क्रैम्बल कर लूँ। ये हो गया हमारा क्यूब जो है स्क्रैम्बल। तो अब मैं आपको जल्दी जल्दी से जो है क्रॉस बना के दिखा दूं। ये जल्दी जल्दी ये हमारा क्रॉस बन गया, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आप सभी को ये जो F12 लेयर, यानी कि डाउन के जो दो लेयर्स होते हैं, हम उन्हें जो है F12 लेयर कहते हैं। तो गाइस, अब मैं आप सभी को दिखा दूं कुछ इस प्रकार से। ये डाउन के जो दो लेयर हैं, इन्हें को हम F12 लेयर कहते हैं। और इनको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होगी, ये कॉर्नर पीस 3 कलर वाले और ये एज पीस 2 कलर वाले। तो अब मैं आप सभी को बता पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे दो कॉर्नर पीस लगे तो हैं, लेकिन ये इनका सही जगह नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मैंने कैसे पता लगा लिया कि ये सही जगह नहीं है। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि इन सभी का जो कलर ज्ञात कर किया जाता है वो यहाँ, ये जो सेंटर पीस दिख रहा है आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका कलर कौन सा सही है। तो यहाँ पे सेंटर से कलर का ज्ञात होता है। तो ये रेड है तो यहाँ पर रेड होना चाहिए, ये ग्रीन है तो यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए, और ये ऑफिशियली वाइट है तो यहाँ पर वाइट होना चाहिए। तो चलिए हम ढूंढते हैं यहाँ का जो कॉर्नर पीस है और एज पीस। एज पीस तो हमारा लगा हुआ है, अब इसका कॉर्नर पीस हमें ढूंढना है। तो इसका कॉर्नर पीस देखिए यहाँ पे है। तो अब हमें इसे लगाने के लिए, ये देखिए, अगर हम ऐसे देखते हैं और अगर ये रेड हमारे फ्रंट पे आ रहा है, कोई भी कलर अगर हमारे फ्रंट पे आ रहा है, तो अगर वो यहाँ टॉप पे होगा तो इसको हम ऐसे कर देंगे तो वो बन जाएगा वो पेयर। यहाँ पेयर जो है, जो इसे हम यहाँ पे लगाना है वो पेयर बन जाएगा। तो हमें इसे टॉप पे लाने के लिए कुछ इस प्रकार से आर मूव लेना पड़ेगा, ये आर मूव। तो अब ये ऊपर आ गया ग्रीन। तो मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे ऊपर ले लेंगे तो ये टॉप कलर दोनों मिल जाएगा, तो ये हमारा पेयर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको फिर से दिखा के दूँ, ये हमने टॉप में ले लिया। अब इसको हमें यहाँ पर लाना होगा, तो ये हमने यूट्यूब मूव लिया। अब हमें इसे फिर से सही अपनी जगह कर देना होगा। तो गाइस, अब मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। अब मैं इसको एल प्राइम लेके, ये देखिए, ये हमारा जो है कुछ ऐसा पेयर बनता है। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये हमारा कुछ ऐसा पेयर बनता है। अब हमारा ये पेयर बन चुका है, तो अब हमें इसे छुपाना होगा। कुछ इस प्रकार से हमने इसे छुपा दिया। अब मैं इसको कर दूंगा डाउन, ये जो अपने आकार में था। अब गाइस, इसको लगाने के लिए मैं आप सभी को बताऊं, ये जो हमारा ग्रीन है, अगर मैं इसको इधर कर दूं तो ये कुछ इस प्रकार से ये नहीं लगेगा, लेकिन से इसे हमें ऐसे ही रखना होगा। और अब मैं आप सभी को बताऊं, ये जो है यहाँ पे जब आएगा, ये ऐसे हमने इसे ले आया, तो इसके साथ ही ये दोनों ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे लगा दूँ कुछ इस प्रकार से, तो ये इसके साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएंगे और ये लग भी जाएगा। अब ये देखिए, ये मैंने किया आर प्राइम, और आप देख सकते हैं हमारा ये एक F12 का पेयर जो है
कंप्लीट हो चुका है, अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। तो दूसरा यहाँ पे हमारा जो है ये देखिए, और इसका जो एज पीस है ये यहाँ पे है रेड एंड ब्लू। अब हमने इसका कॉर्नर पीस और यहाँ पे जो है एज पीस, इन दोनों को ढूंढ लिया है। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे कि यहाँ जो हमारे टॉप में है, ये ऊपर अपर लेयर में, ये कौन सा कलर है, यहाँ पे है रेड। तो अब हमें अगर इन्हें अच्छे से मतलब एल्गोरिथम्स बिना लगाए आपको अच्छे से समझना है, अगर आप बिगनर हैं तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ ऊपर जो है इसी का कलर, इसका उल्टा जो कलर है यानी कि यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे ऊपर ब्लू लेके आएंगे। तो ब्लू लाने के लिए आप सभी को, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हमें रेड को ऊपर लाना होता तो ऐसे सिंपली हम इसे कर देते तो ये हमें एफ प्राइम कर देते तो ये ऊपर आ जाता, लेकिन से हमें जो है ब्लू को ऊपर लेके आना है तो हम करेंगे आर। और देख सकते हैं ये दोनों कलर अलग अलग है और ये ऊपर भी आ गया। तो हम इसको ऐसे छुपा देंगे और ये जो हमारा क्रॉस बना रहा था इसको हम फिर से ऐसे लगा देंगे। तो गाइस ये आपको मैं बताऊं, अगर ये दोनों कलर भी हमारा सेम होना चाहिए, वरना ये देखिए मैं अगर ऐसे F12 का पेयर बनाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँ इसका जो रेड कलर है, वो मैंने आपको नोटेशन में बताया था कि रेड कलर के पीछे जो है, सॉरी ऑरेंज कलर के पीछे रेड कलर होता है और ब्लू कलर के पीछे ग्रीन होता है। तो अब मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँ, और येलो के नीचे वाइट होता है। तो अब हमारा जो है, मैंने बताया कि ऑरेंज के पीछे रेड, तो यानी कि ऐसे टू मूव्स कर दूंगा तो ये देखिए ये कलर हमारा मैच हो रहा है। तो अब इसके लिए जो सिंपली एक एल्गोरिथम होता है जिसे परफॉर्म करने के बाद में आपका जो F12 लेयर है अपने आप ही लग जाएगा। तो गाइस इसे आप एल्गोरिथम की तरह ना लें, ये सिंपली एक मूव होता है, लाइक मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये देखिए, ये मैंने एल प्राइम और ये किया यू प्राइम और ये एल, और आप देख सकते हैं ये हमारा जो F12 का दूसरा लेयर है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे कॉर्नर पीस और एज पीस के पीछे जाएंगे, ये देखिए ये हमारे हमें यहाँ पे भी मिल गया, इसका ये कॉर्नर पीस ब्लू ऑरेंज एंड वाइट, एंड एज पीस यहाँ पे है ये ऑरेंज एंड ब्लू। तो मैंने आप सभी को बताया था कि ये जो कलर है ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कलर जो है सेम होना चाहिए, तो ये हमारा रेड है तो इसके अपोजिट में ऑरेंज है, तो यानी कि ये हमने किया इसको इसके साथ कलर को मिला दिया। तो अब मैं आप सभी को बता पाऊँ कि अगर जो है वाइट हमारे राइट साइड में है तो राइट वाला, जैसे उस समय उसके पहले वाले केस में जो हमने यहाँ पे लगाया था वो हमारे लेफ्ट साइड में था, तो उसका हमने एल्गोरिथम लगाया था एल प्राइम यू प्राइम एल। तो इसके लिए एल्गोरिथम होगा आर। आर करने से हमारा ये जो F12 लेयर है ये कंप्लीट हो गया। अब यू, और यू करने से ये इसके साथ मैच हो गया, और ये आर प्राइम, और आर प्राइम करने से ये हमारा इसके साथ मैच हो गया। तो अब हम देख पा रहे हैं कि अब हमें केवल एक ही परफॉर्म करना है। तो मैं आप सभी को बताऊं, ये देखिए एक केस ऐसा भी आएगा तो इसमें जो है ये टॉप के लेयर्स सेम रहेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या रहेगा, आपको सिंपली करना रहेगा आर यू आर प्राइम, ठीक है, फिर यू और फिर आर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा ये F12 का लेयर जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं ऐसे फिर से इसको कर दूंगा इसको बनाने के लिए तो ये बिगड़ जाएगा, तो इसके लिए हमें इसे फिर से छुपाना होगा। और ये मैंने कर दिया, ये हमारा
फिर से सिंपली लग गया। तो अब हम इसको ऐसे ऐसे इसको फिर से यहाँ पे छुपाना रहेगा। इसको जो है हमने यहाँ पे छुपा दिया है। तो अब हमें सिंपली ये जो टू लेयर्स लगाने के लिए यहाँ पे ये जो टू लेयर्स आपको दिख रहे हैं इनको यहाँ पे लगाने के लिए हम इसको ऐसे सिंपली अप में करेंगे और ये जो दो लेयर्स थे ये ऊपर आ गए। अब हमें इन दोनों लेयर्स की जगह पे इन दोनों लेयर्स को लगाना होगा। तो ये हमने इनको ऐसे लगा दिया, आप देख सकते हैं ये दो लेयर्स यहाँ पे लग गए। अब मैं इनको ऐसे सिंपली मूव कर दूंगा और ये जो है हमारा F12 का लेयर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख पा रहे हैं ये हमारा F12 का लेयर, ऐसे F12 लेयर कहते हैं जो कि कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद गाइस मैं आप सभी को इसके अगले पार्ट वाले वीडियो में मैं आप सभी को ये OLL यानी कि ओरिएंटेड लास्ट लेयर और उसके बाद में ये इन सभी लेयर्स को कंप्लीट करने को बताऊंगा जिसे हम PLL कहते हैं। तो ये सभी वीडियोस जो हमारे हैं ये जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइस आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आप सभी का दोस्त शुभम सिंह केवर आपके साथ बेहतरीन पैटर्न्स भी शेयर करता रहता हूँ जो जिसे देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रह सकते हैं। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई भी क्यूब में अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे इंस्टा और फेसबुक की आईडी जो है नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसका, आप वहाँ पे मुझे फॉलो करके आप जो भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप मुझसे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे पर्सनली जो है आपके क्वेश्चंस को दूर करूँगा। तो गाइस चलिए।